हेलो फ्रेंड्स, प्रेमताज किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ढाबा स्टाइल मसाले छोले कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। छोले बनाने के लिए हम लेंगे 3/4 कप काबुली चने, जिसे हमने अच्छे से धोकर 7-8 घंटे भिगो कर रख लिए हैं। अब हमने प्रेशर कुकर में काबुली चने को ट्रांसफ़र कर लिया है। उसके बाद हम 1.5 कप पानी डालकर लीड को बंद कर देंगे। गैस को ऑन करके प्रेशर कुकर को हम रख कर एक फुल फ्लेम पर और 3 स्लो फ्लेम पर सीटी ले लेंगे। 4 सीटी आ चुकी है। गैस को हम बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर को अपने आप ठंडा होने देंगे। छोले की ग्रेवी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 मीडियम साइज महीन कटे हुए प्याज, 2 मीडियम साइज टमाटर मिक्सर में पीसे हुए, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक या स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून छोला मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, पिंच भर हींग, 6 से 7 लहसुन महीन कटे हुए, 1/4 कप महीन कटा हुआ हरा धनिया, 2 पीस महीन कटी हुई हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा महीन पीसा हुआ, 2 पीस तेज पत्ता, 1 पीस दालचीनी का टुकड़ा, 4 पीस काली मिर्च, 2 पीस लौंग, 1 पीस छोटी इलायची, 1 पीस बड़ी इलायची। गैस को ऑन करके हमने फ्राइंग पैन में 2 स्पून रिफाइंड ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। उसके बाद हम हींग, तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालेंगे। उसके बाद हम जीरा, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च डालकर प्याज डालेंगे और प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनेंगे। प्याज हमारे हल्के गुलाबी हो गए हैं। उसके बाद हम टमाटर की प्यूरी डालकर 1 मिनट तक पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। उसके बाद हम हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, कसूरी मेथी, छोला मसाला डालकर सभी को मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। ग्रेवी ने भी हमारा ऑयल छोड़ दिया है। अब हम उबले हुए काबुली चने डालेंगे। काबुली चने डालने के बाद हम 5 मिनट तक ढक कर पकने के लिए रख देंगे। छोले हमारे पककर अच्छे से रेडी हो चुके हैं। अब हम हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। गैस को हम बंद कर देंगे। छोले को अधिक स्वादिष्ट बनाने के लिए आप बटर भी डाल सकते हैं। छोले हमारे रेडी है। अब हम हल्का सा हरे धनिया से गार्निश करेंगे। फ्रेंड्स, इसे आप गर्मा गर्म भटूरे, पूड़ी या चाट बनाकर इंजॉय कीजिए। इसे बनाकर अपने अनुभव प्रेमताज किचन में जरूर शेयर करें। मेरी रेसिपी के सफर में साथ चलने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।